आप लोगों का एक बार फिर से विकास ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हम लोग इस बार देखेंगे फिजिक्स में जो प्लेन मिरर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे इस बार जो हम लोग क्वेश्चन वहाँ इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व किए थे वो ये था कि हम लोग अगर कोई मिरर लेते हैं, ये आपका मिरर है और इसके सामने कहीं पे कोई पार्टिकल या फिर कोई वस्तु तो यहाँ पर छोटी सी रख देते हैं, तो इसका इमेज जो बनेगा वो हम लोग इमेज को कैसे देख सकते हैं। तो सबसे मैक्सिमम यहाँ पर हम लोग रेज ले गए थे और हम जानते थे कि यहाँ से जब टकरा के परावर्तित होगी तो यहाँ से जाएगी, इसे वापस हो जाएगी। उसी प्रकार हम अगर मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमम बिंदु यहाँ से ले जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसे होगा। और ये दोनों तो कहीं मिलने वाले नहीं है। आप ये मान लेते थे इसका कोई पाथ है, रास्ता है, कोई यहाँ पर इंसान कोई आदमी यहाँ से जा रहा है ऊपर और यह केवल जो इसकी फील्ड ऑफ व्यू होगी वो इतनी होगी। ये आपकी फील्ड ऑफ व्यू है, मतलब इतनी दूर से इतनी दूरी की बस इतनी दूरी अगर व्यक्ति कोई होगा तो वह इसके प्रतिबिंब को देख पाएगा। अब इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी हम आपको बता चुके थे, इसको डैश डैश करके पीछे बढ़ाते थे और इसकी यहाँ पर प्रतिबिंब बनी थी। हम जानते थे कि ये जो लेंथ थी अगर ये यल आई थी तो एक्चुअली यह भी कितनी आएगी, यल ही आएगी। यानी जो समतल दर्पण था, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट था ठीक उतनी दूरी पर आपका क्या बनता था, समतल दर्पण के अंदर उतनी दूरी पर आपका इमेज प्राप्त होता है। और जो फील्ड यह इमेज यहाँ से तो दिखने वाला है नहीं, यहाँ से दिखने वाला है नहीं, या इसके ऊपर कहीं यहाँ से दिखेगा नहीं, केवल फील्ड ऑफ व्यू जो दिखने वाले पथ होगा वो इतना होगा। अब हम बताए थे कि अगर यह पथ निकालना था तो यह पथ हम कैलकुलेट किए थे, आपका वहाँ पर आया रहा होगा इसको जो भी इसको अगर कैपिटल डी माने रहे होंगे और आपका ये पूरे जो मिरर है इसकी जो लंबाई माने होंगे वो डिस्टेंस माने होंगे डी माने कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आया था डी इज्कवल टू 3D। एक्चुअली ये आया था। अगर हमें इसी पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन हो अगर हमें इसी पर सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं देखते हैं। अगर हमें दे दिया जाए कि यदि कोई प्लेन मिरर है उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है एक्चुअली, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा, जो कोई पथ इसके सामने है उसका फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा, उस पथ का फील्ड ऑफ व्यू आप बता सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, डी इंटू 3। अब ये डिस्टेंस कितनी, ये इसकी लंबाई मान लेते हैं, यल मान लेते हैं, लेंथ तो यहाँ पर यल आएगा। अगर यह यल है इसको हम लोग कैपिटल एल दिखा लेते हैं, तो ये जो अगर यह जो लेंथ है आपका दिया है 3 मीटर, आप देखते हैं तो यही लेंथ जो होगा वह इसके पथ को बताएगा। 3 × 3 अगर यहाँ पर पुट कर देंगे तो एक्चुअली ये डी इक्वल टू या एक्स इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर एक्स माने तो एक्स ही रख लेते हैं, डी की जगह पे एक्स, 3 × 3 = 9। आपका जो इसका फील्ड ऑफ व्यू होगा पथ का वो आएगा 9 मीटर। तो ये सब सवाल जो होंगे वैसे वो आसान आएंगे, मतलब हम लोग लेंस की लेंथ को देख करके फील्ड ऑफ व्यू बता सकते हैं कि कितना फील्ड ऑफ व्यू इसका होगा। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। इसके आगे बढ़ते हैं, अगला जो केस लेते हैं इसमें फील्ड ऑफ व्यू वाले क्वेश्चन में वो ये रहेगा कि अगर हम जैसे कोई मिरर लेते हैं और कोई यहाँ पर वस्तु रहती है छोटी सी, हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पर कोई मिरर लेते हैं, ये है आपका मिरर जो कि मान लेते हैं 1 मीटर लंबा, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है और यह जो मेन सरफेस है उससे 1 मीटर ऊपर रखे हैं, यहाँ यह भी लेंथ जो है वह 1 ही मीटर है। चलिए और कोई जो बस तो यहाँ पर रख लेते हैं, ये आपका है पाथ। तो कहें अगर इसका हमें इमेज बनाना हो तो क्या बनेगा, या इसका फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा, हमें इस बात पर चर्चा करना है। और मानते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 1 मीटर है, मतलब जहाँ से ये रखें ये जो लेंथ है ये 1 मीटर, और इस ऑब्जेक्ट से जो पथ है वह एक्चुअली मान लेते हैं कि 3 मीटर पर है। ऑब्जेक्ट जो पथ यह यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये लेंथ को हम लोग 3 मीटर मान लेते हैं, 3 मीटर मतलब ये लेंथ जहाँ पर वस्तु रखी है वहाँ से जो पथ है
वह जो रास्ता है उसका जो दूरी है वह 3 मीटर है एक्चुअली, ये वाली दूरी, और ये दूरी आपकी है 1 मीटर। तो हमें यहाँ से इसका इमेज जो है वो फॉर्म करना है, बनाना है। तो देखते हैं, हम सबसे पहले बताए थे कि यहाँ से कोई किरण रेज जाएगी सर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर जाएगी। तो ये तो कहीं टक्कर, ये तो कहीं मिलने वाली है नहीं, ऐसा दिखा देते हैं यहाँ पर। और इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये वाली डिस्टेंस कितना होगी, ये भी आपकी आएगी 1 मीटर। और इसी से अगर हम यहाँ पर टकराते हैं तो यह जाएगी और पथ पर यहाँ पर कुछ मिलेगी ऐसे। और इसको भी अगर हम पीछे बढ़ाते तो यहीं पर आपका ये भी कांटेक्ट जो होगा वो यहीं पर होगा। अब ये आपका फिगर हुआ। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट से दोनों रे चलती हैं, दोनों किरणें चलती हैं और जाएंगी, परावर्तित होंगी। यहाँ पर मैक्सिमम ये जो दर्पण है, सम प्लेन मिरर है, इसके दोनों छोर से, नीचे वाले छोर से और ऊपर वाले छोर से रेज ले जाते हैं। दोनों जाएंगे और दोनों जाके जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर इसका क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, मतलब प्रतिबिंब बनने वाला है, प्रतिबिंब आपका बनेगा। तो इसके लिए हमें जो कंडीशन है आपके सामने है, और हमें इसका जो आंसर है वो निकालना है कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे। तो ये है आपका, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल क्या क्या मिल रहा है। एक हम ये वाला देख लेते हैं, ये अच्छा। तो इससे हम पहले ये इस पथ को यहाँ से यहाँ तक के जो लेंथ है उसको हम यक्स मान लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, और ये पूरे लेंथ को हम वाई मान लेते हैं। एक्चुअली जो अगर कोई इंसान इसको इसको देखना है, और दर्पण जो लगा है, जो समतल दर्पण लगा हुआ है 1 मीटर ऊंचाई पर लगा यहाँ पर, तो इससे इसको अगर इस दर्पण में हमें प्रतिबिंब देखना होगा तो चलते 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 यहाँ पर जाना होगा। इसकी फील्ड ऑफ व्यू एक्चुअली इतनी ही होगी, ये फील्ड ऑफ व्यू है। हम इतने लेंथ को वाई माने हैं, इतने लेंथ को यक्स माने हैं। तो वाई में से अगर यक्स हम घटा देते हैं तो ये आपकी लेंथ आएगी, यानी हमें निकालना है वाई माइनस एक्स एक्चुअली। तो हमें पता चल जाएगा इसकी फील्ड ऑफ व्यू इतनी होगी, मतलब इतने दूरी में हम इस वस्तु के प्रतिबिंब को यहाँ पर देख सकते हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ट्रायंगल ये मानते हैं इसमें और इसमें, ये वाला और ये वाला। तो इसको हम अलग से बना देते हैं, आप लोग थोड़ा जानने में आसानी होगी। ये आपका यक्स है, और ये आपका 3 मीटर और 1 मीटर है। इस पर फिर यहाँ पर एक है, इसे मान लेते हैं P, और इसे मान लेते हैं Q, P और Q। तो ये यक्स है, और यहाँ पर 3 और 1 4 मीटर डायरेक्टली कर, 3 मीटर ये और 1 मीटर ये, 4 मीटर, और 1 मीटर आपका ये डिस्टेंस, ये हो गया। और ये एक्चुअली जो ये लेंथ है वह 1 मीटर है, इसे हम R मान लेंगे, अभी आगे आवश्यकता पड़ेगी इसकी। तो ये हम मान लेते हैं दोनों सिमिलर हैं, कौन कौन, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर मानने की आवश्यकता नहीं, ये दोनों सिमिलर हैं तो हम मान लेते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये अपान ये लगाते हैं इसको, हैं यानी ये इसको हम अगर नेमिंग कर देते हैं तो ए बी और सी रख देंगे, ए बी सी। तो देखते हैं यहीं पर नेमिंग कर लेते हैं, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, आपका पी क्यू आर हो गया। अब देखते हैं, तो हम लोग इसको भी रख लेते हैं ए बी सी डी इसको। चलिए तो हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, जब दोनों सिमिलर होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू, एक्चुअली ये अपान ये, और बड़े वाले ट्रायंगल में ये अपान ये, यानी बी सी अपान क्यू सी, ये ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू सी, ये हो गया। तो ए बी की वैल्यू आपकी यक्स है, अपान पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू 1 मीटर है, आप इक्वल टू बी सी की वैल्यू, बी सी ये पूरी 4x 4 1 और 1 5, अपान क्यू सी, क्यू सी आपका है क्यू सी 1 होगा, अभी 1 है इसकी डिस्टेंस 1, यानी यक्स इक्वल टू आपका आने वाला कितना 5 मीटर।
यक्स इक्वल टू आपको मिलने वाला है 5 मीटर। अब देखते हैं जब यक्स इक्वल टू आपको 5 मीटर मिला तो अब चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, इसमें ये जो बन रहा है आपका इसको बनाते हैं, इससे हम वाई ज्ञात कर लेंगे। इसको बना देते हैं, यहाँ पर छोटा सा दिखा देते हैं, वही सी यहाँ पर है और आएंगे यहाँ पर डी है और आएंगे यहाँ पर बी है, ये हुआ आपका तो डी सी और बी, और ये आपका है पूरा डिस्टेंस आर और क्यू, आर क्यू। तो हम लोग इसमें ये जब सिमिलर होंगे, जब समरूप होंगे तो ये अपान ये कर सकते हैं, तो हम क्या कर देंगे बी डी अपान ये क्यू आर इक्वल टू वी डी अपान क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वी डी अपान क्यू आर इक्वल टू बी सी अपान क्यू सी, एक्चुअली आपको ये प्राप्त होगा। तो बी डी यहां पर लिख लेते हैं, बी डी की वैल्यू वी डी की वैल्यू वाई अपान क्यू आर यानी 1 मीटर, ये 1 मीटर यानी टू इक्वल टू बी सी बी सी बी सी 3, 4 और 5, 5 अपान क्यू सी यानी 1, तो वाई इक्वल टू 5 × 2 यानी वाई इक्वल टू 10। अब हमें जो ये फील्ड ऑफ व्यू निकालना है ये डिस्टेंस, तो वाई माइनस एक्स करना होगा यानी वाई माइनस एक्स, वाई की वैल्यू आपका 10 है, माइनस एक्स की वैल्यू आपकी 5 है, यानी आपका आएगा 5 मीटर। जो फील्ड ऑफ व्यू होगा, जो आप जितनी दूरी पर आप देख सकते हो वह आपका कितना होगा 5 मीटर, ये आपका 5 मीटर होगा फील्ड ऑफ व्यू। अगर आपका जो नीचे सरफेस है उससे 1 मीटर ऊपर कोई मिरर रखे हैं, प्लेन मिरर रखे हैं, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वह 1 मीटर नीचे है इससे और 1 मीटर दूरी पर है, तो 1 मीटर दूरी पर तो इसका इमेज बनेगा 1 मीटर दूरी पर, और ये जो इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना होगा यही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम एक बार ट्रायंगल यह माने, फिर ट्रायंगल यह माने, दोनों को समरूप दिखाए, यक्स और वाई की वैल्यू निकाले, एक्चुअली वाई में से जब यक्स ये घटा देंगे तो हमारी यही वैल्यू आएगी। इसमें एक बात अगर हम लोग गौर से देखें समझें, तो इस यहाँ से ये जो लेंस रखा जो ये सॉरी ये जो मिरर रखा है प्लेन मिरर, इससे जो ऑब्जेक्ट की दूरी है यह 1 मीटर, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि हमें किसी भी मिरर में जो इमेज प्राप्त करना है, इमेज प्राप्त करना है तो इमेज तो मिरर में बनेगी ही बनेगी, लेकिन हमें दिखेगी कि नहीं दिखेगी इस बात के लिए जो कंडीशन है वह इस बात का जो कंडीशन है वह निर्भर करता है कि पाथ पर ये कितना बड़ा मिरर है या कितने ऊंचाई पर रखा है, मतलब इसके पोजीशन और इसके लेंथ पर, मिरर के लंबाई और इसके रखने के पोजीशन पर, कितना ऊपर कितना नीचे रखा है उस पर निर्भर करता है कि हमें ये वस्तु कहाँ दिखेगी, ना कि इसकी दूरी पर। मतलब ये अगर 2 मीटर 3 मीटर और ज़्यादा बढ़ा देते, 2 मीटर बढ़ा देंगे 2 मीटर बनेगा और दूरी बनेगा, मतलब इस पर हमें कहीं भी निर्भर नहीं करता है, इस दूरी पर हमें कोई निर्भरता नहीं है यह दूरी बढ़ाएं या घटाएं। एक्चुअली जो ये वाई की जो ये फील्ड ऑफ व्यू रहेगी उतनी ही रहेगी, हाँ अगर इसके लेंथ को बढ़ा घटा दें तब ये फील्ड ऑफ व्यू आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, देखते हैं अगली बात जो है वो ये है। अगर हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लें तो आप लोगों को बात क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर मान लेते हैं आपका ये कोई आपका प्लेन मिरर है, ये 2 मीटर का है, एक्चुअली कितने का है 2 मीटर, और 1 मीटर ऊंचाई पर रखा गया है, इससे ऑब्जेक्ट है जो आपका 1 मीटर का है,
ऑब्जेक्ट, तो इसका जो, और यहाँ पर आपका पथ, एक रेस जाएगी यहाँ पर टकराएगी, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, और दूसरी जाएगी यहाँ मैक्सिमम कंडीशन से, और इसको पीछे बढ़ाएंगे यहाँ पर टकराएगी। ये आपका फील्ड ऑफ व्यू होगा। अब फील्ड ऑफ व्यू हमें कैलकुलेट करना होगा, और यह डिस्टेंस मान लेते हैं 2 मीटर आपकी, और यहाँ से ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इमेज जो बनेगा वो 1 ही मीटर पर बनेगा, क्योंकि 1 मीटर इसकी लेंथ है, और यहाँ पर भी हम लोग ऐसे बढ़ा देते हैं और ये मिला। तो इस बार क्या है, लेंथ जो प्लेन मिरर है उसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई, उसको हम बढ़ा के देख लिए, जबकि ये 1 मीटर है तो ये 1 मीटर पर बनेगी, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो हम इसी में बता देते हैं आपको, ये लेंथ को हम मान लेते हैं यक्स, और ये पूरा टोटल लेंथ को वाई मान लेते हैं, वाई माइनस यक्स करेंगे तो हमारा जो परफेक्ट प्योर कैलकुलेशन होगा वो आएगा। देखते हैं इसमें तो हमें क्या करना होगा, पहले ये छोटे वाले में, इसमें और इसमें, तो ये दोनों अगर समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, तो ये अपन ये कर देंगे, यानी 1 बाई x इक्वल टू ये बाई ये की, या फिर ये बाई ये करो, यानी x अपान 1 इक्वल टू ये अपान ये, यानी 2 1 3 और 1 4, 4 अपान 1, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 4 आएगी। कैसे हम लोग कैलकुलेट किए, ये अपान ये सिमिलर है, तो ये अपान ये और ये अपान ये कर दिए, आपका यक्स इक्वल टू 4 आया। अब हम यक्स इक्वल टू 4 आया, हम वाई कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी बड़े ट्रायंगल में, ये थोड़ा इसको ट्रायंगल रूप में दिखना चाहिए, दिखा देते हैं इसको कुछ ऐसा है। ये आपका ठीक है, हाँ। तो अब ये वाई की वैल्यू इस बड़े वाले ट्रेंगल में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये अपान ये, यानी वाई अपान 2 और 1 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये अपान ये कर लिए, अब क्या हमारे पास बचा, ये अपान ये, तो ये कितना है, 2 1 3 और 1 4 अपान 1, यही होने वाला आपका, हाँ, ये वाई और अपान 2 और 1 3 ठीक है, और 2 1 3 और 1 4 अपान ये 1 ठीक है, और ये इधर हो जाएगा तो 12 मिलेगा आपको। तो यहाँ वाई की वैल्यू आपको 12 मिली, एक्स की वैल्यू आपको 4 मिली, तो ये निकालना, यानी वाई माइनस एक्स करना, तो वाई माइनस एक्स, वाई की वैल्यू 12 माइनस 4, यानी आपका मिल जाएगा कितना, 8 मीटर। इस तरह क्वेश्चन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हम लोग इस तरह क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो ये आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, वरना फिर आगे बढ़े। तो अगली बात देखते हैं, अगली बात ये है कि हम लोग इसमें देखेंगे कि जैसे हम लोग समझते हैं, अब हम लोगों को निकालना है कि मिरर जो है वह उसकी लेंथ और पोजीशन, लेंथ और पोजीशन बदलने पर कैसे जो प्रतिबिंब होता है उसका सिस्टम बदल जाता है, वो हमें दिखने लगता है या फिर नहीं दिखता है, इस बात पे हमें चर्चा करना है। मिरर का लेंथ और पोजीशन हम लोग चेंज करके देखेंगे कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इस पोजीशन और ये लेंथ चेंज करने पे हमें क्या क्या मिल रहा है। जैसे अभी हम लोग चर्चा करते हैं, बहुत छोटा सा एक मिरर ले लेते हैं, इतना छोटा सा मिरर, अगर हम इसमें अपने इमेज को देखना चाहें, अगर आप अपने इमेज को देखना चाहें, आप लोग इसको घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो बताइए इसमें इमेज बनेगा कि नहीं, हम लोगों का किसी भी चीज़ का इमेज इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, इस बात पर चर्चा करना, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं, या बनेगा कितना बड़ा बनेगा, कितना, या फिर कैसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, दिखेगा कि नहीं, मतलब हमें दो बात पर चर्चा करना है कि हम लोगों को
जो है वह इमेज दिखेगा कि नहीं और बनेगा कि नहीं। तो आप एक बात समझेंगे, अगर छोटा सा मिरर रहेगा तो इसमें हम लोगों का इमेज बनेगा, लेकिन दिखना जो है वह सर्टन नहीं है। एक्चुअली मिरर जब रहेगा, प्लेन मिरर रखा रहेगा, तो उसमें इमेज बनेगा, लेकिन अगर जैसे छोटा सा मिरर हम लोग बहुत पास आ जाएंगे तो हम लोगों को पूरी शरीर नहीं दिखेगी, कुछ भाग केवल दिखेगा। बहुत ज़्यादा दूर चले जाएं फिर भी पूरी शरीर नहीं दिखेगी, कुछ भाग दिखेगा, क्योंकि उसका जो आकार बहुत कम है, बहुत कम मिरर का आकार है। अगर इसके आकार को बढ़ाएं, मतलब इसके आकार जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, ज़्यादा कर देंगे, तो हमारा इमेज भी बनेगा और दिखेगा भी। अच्छा, वह मिनिमम आकार कितना होगा? कितनी बड़ी वस्तु को देखने के लिए मिनिमम आकार क्या होगा? जैसे ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, इसको देखने के लिए इसके अंदर, इसके इमेज को देखने के लिए इसके अंदर कितना बड़ा मिरर लेंगे? एक्चुअली इसका इमेज तो इसके अंदर बनेगा, लेकिन इस दिखेगा कि नहीं दिखेगा या किस पोजीशन पर दिखेगा, ये हमें अब पता करना है। यानी हम लोगों को पता करना है कि क्या लेंथ होनी चाहिए, किस पोजीशन क्या लेंथ होनी चाहिए, किस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। मतलब इतना बड़ा अगर ऑब्जेक्ट है, इसको देखने के लिए हमें कितने लेंथ का मिरर लेना है, या उसकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए, उसको कितना ऊपर रखना है, कितना नीचे रखना है, उसको हम किस प्रकार से सेट कर सकते हैं, हमें इस बात पर चर्चा करना, ये बात जानना है। तो अब हम लोग लेंथ पर और पोजीशन पर चलते हैं। यानी आप लोग एक बात तो नोट कर लीजिएगा, अगर हम मिरर को बहुत ज़्यादा छोटा कर दें तो हमारा इमेज या किसी का इमेज तो उसमें बनता है, इमेज बनेगा, लेकिन एक्चुअली वो इमेज दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये निर्भर करेगा कि उसकी पोजीशन क्या है, वह किस पोजीशन पर वहां पर रखा गया या किस पोजीशन पर है। अगर उसकी पोजीशन ऑलरेडी बहुत अच्छी होगी, सटीक पोजीशन होगी, तो हम लोगों को एक्चुअली वह सही दिखेगा। अगर उसकी पोजीशन सही नहीं होगी तो हम लोगों को वह सही नहीं दिखेगा या दिखेगा ही नहीं। तो देखते हैं, अगली बात जो है हम लोग इस पर लेंथ और पोजीशन पर चर्चा करेंगे। तो हमें इस बार देखना है कि जैसे अभी हम कोई मिरर लेते हैं, ये है मिरर आपका, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, यहां पर रख दिए, यहां पर, तो ये मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वह 1 मीटर है। कितना है आपकी डिस्टेंस? 1 मीटर है। अच्छा, तो हम देखते हैं 1 मीटर डिस्टेंस पर अगर कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, या ए बी है, ए है यहाँ पर बी है, तो क्या होने वाला है? इसका इमेज तो बनेगा, हम बताएं जितना ये लेंथ होगा उतना लेंथ पर इधर भी बनेगा। ये मान लेते हैं यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ ए डैश बी डैश आपको प्राप्त होगा इमेज, ये बनेगा इसका इमेज वहां पर बनने वाला है। अब हम लोग ध्यान देने वाली बात है कि मान लेते हैं यह कोई व्यक्ति है, या क्या कोई है, कोई व्यक्ति है, ये भी कोई इंसान है, जिस जो अपना इमेज कहीं किसी मिरर में उधर दूसरी तरफ क्या कर रहा है, देख रहा है। तो यह अपना इमेज इसे देखने के लिए कितना बड़ा प्लेन मिरर चाहिए, कितना बड़ा दर्पण चाहिए कि वह अपना इमेज परफेक्टली देख ले, कितना बड़ा चाहिए कि इससे और बड़ा चाहिए, हमें इस बात पर चर्चा करना है, ये बात हम लोगों को देखना है। तो एक्चुअली इसके लिए हम लोग क्या मानते हैं कि हम लोगों की जो आँख होती है वह पूरी तरह से सर से थोड़ा नीचे होती है, लेकिन हम लोग अभी मानते हैं कि जो आँख है वह पूरी तरह से ऊपर है, टॉप पर है, हमारे शरीर के टॉप पर है, यहाँ पर मान लेते हैं आँख है, मतलब सबसे टॉप पर मान के चलते हैं कि हमारे शरीर की जो आंख है वह टॉप पर मान के चलते हैं। तो देखते हैं होता क्या है कि जैसे अभी हमें इस मिरर को यहाँ पर बनाना है, तो हमारी आंख पर ये पैर, यहाँ पर पैर रहेगा, तो पैर का हमारी आंख पर इमेज कैसे, यहाँ वाला इमेज कैसे बनेगा? एक्चुअली कोई रे से जाएगी और हमारी आंख पर डायरेक्ट इसे पड़ेगी, यहाँ से जा रही है और आंख पर पड़ रही है, और इसको डैश डैश करके पीछे बढ़ाएंगे, मतलब यहाँ से किरणें हमारी आँख पर क्या हो रही हैं, पड़ रही हैं। ये है आपकी जो मेन कंडीशन है, यही है। और एक क्या हो रही है, आँख आँख भी दिखेगी, आँख को, आपके आँख को
भी मिरर में हम लोग देख पाते हैं, अपनी आंख को मिरर में देखते हैं, यानी यहाँ से भी सीधे कोई रेस जाएगी, सीधे ये रेस जा रही है और आपकी फिर यहाँ से रिटर्न हो जा रही है और इसको डैश डैश पीछे बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर मिल रहे हैं। मान लेते हैं इस जो ये जो मनुष्य है इसका जो पूरी लेंथ है वो यच है, ऊंचाई जो है, सॉरी लेंथ नहीं ऊंचाई मान लेते हैं, ऊंचाई जो है यच है। और ये आपका हमें पता है यह इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये वाला एंगल आई होगा, ये वाला एंगल आर होगा। एक्चुअली आई और आर जो होते हैं वह बराबर होते हैं, तो इसको भी हम आई ही मान लें। आई और आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, दोनों आई हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये दोनों एंगल जब बराबर हैं, ये दोनों जब एंगल बराबर हैं और यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है इस तरह से, इस बिंदु से, इस बिंदु से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो एक्चुअली जब यह ऊंचाई h है तो यह एकदम मिडिल पॉइंट से हो रहा है रिफ्लेक्शन, तो ये ऊंचाई कितना होगा h बाई टू और यह भी कितना होगा h बाई टू। तो हम लोगों को यहाँ पर बात समझना है कि जब ये h बाई टू, ये h बाई टू, जबकि ये h, समझने वाली बात है, यह जो पूरा है वह यच है और आपका यह यच बाई टू बच रहा है, यह भी कितना बच रहा है, यच बाई टू बच रहा है। यानी हम लोगों को ये बात समझना होगा कि अगर हम लोग चाहें तो ये वाला पूरा मिरर हटा सकते हैं और यहाँ से ये वाला हाफ जो है मिरर हटा सकते हैं, हम लोग केवल चाहिए आधा मिरर। यानी यहाँ से हम लोगों को बात क्लियर क्या हो रही है कि पूरा यच पार्टिकल को देखने के लिए, पूरे यच वाले किसी वस्तु, यस लंबाई किसी वस्तु को देखने के लिए उसकी लंबाई का आधा मिरर चाहिए, केवल कितना मिरर चाहिए, पूरी लंबाई का जो वह मिरर चाहिए आधा, यानी इस हाफ मिरर की कोई आवश्यकता नहीं है और इधर जो ऊपर मिरर था उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, यानी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इतना मिरर हमें चाहिए और हमारा जो होगा वह जो पोजिशन होगा वह परफेक्ट हो जाएगा, वह करेक्ट हो जाएगा। यानी हमें इस वस्तु को देखने के लिए केवल कितना मिरर चाहिए, h बाई टू। ये बातें आप लोग क्लियर हुई होंगी, अभी हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, पहले हम लोग इस पर और क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं जिससे हम लोगों को बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखते हैं अगर कोई मिरर यहाँ पर है ये, और आपका यह एक मीटर पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक मीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, देखते हैं ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज भी कितने बनेगा, एक मीटर पर ही बनेगा। यहाँ पर मान लेते हैं इसका इमेज बना, अब देखते हैं यहीं पर जब इमेज बनेगा सेम लेंथ रहेगी तो ये है आपका पोजीशन। मान लेते हैं ये कोई मनुष्य जो है वह, अब मनुष्य या फिर कोई पार्टिकल या फिर मनुष्य देख लेते हैं, मनुष्य ले लेते हैं, मनुष्य ये जो है वह मान लेते हैं 3 मीटर का, एक्चुअली इतना लंबा कोई मनुष्य होता नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लगा रहे हैं, समझ रहे हैं तो समझ लेते हैं ये है। अब देखते हैं यहाँ पर उसका ऊपरी सिरा है, मतलब उसका सर है, इससे हम 3 मीटर लेते हैं, थोड़ा दूरी पर लिख लेते हैं, यहाँ पर है आपका 3 मीटर, यहाँ पर सर है, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं उसकी आँख होगी बी और यहाँ पर उसका बॉटम है, पैर है, मतलब सी ए सॉरी ए, तो ये 3 मीटर यानी इसको 300 सेंटीमीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। और मान लेते हैं उसके जो सर से उसकी आंख की जो लेंथ है, ये लेंथ है वह मान लेते हैं आप, मान लो आप 40 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ जो है इतनी 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर आंख जो नीचे, तो एक्चुअली हमें इस मिरर में अपने सर को भी देखना है, मतलब यहाँ सी डैश दिखना चाहिए और यहाँ आंख भी दिखनी चाहिए और यहाँ पर पैर भी दिखना चाहिए। तो दिखेगा कैसे, सब जगह से यहाँ से भी जो रेज आएंगी वह यहाँ पर जाएंगी, यहाँ से भी जो रेज आएंगी यहीं पर जाएंगी, मतलब जितनी रेज यहाँ पर जाके हमारी आँख में मिलेंगी वो हमें यहाँ पर प्रतिबिंब दिखेगा। तो हम वहीं से काम करना स्टार्ट करते हैं, अपना शुरू करते हैं, जहाँ से सिस्टम है यहाँ से पहले रेज ले जाते हैं, तो होगा क्या, यहाँ से गया और टकराया ऐसा, ये है
अगली बात हम लोग ले लेते हैं। अगली बात यह है कि इसको और आँख से भी जाएगा तो आँख भी दिखी, यहाँ से जाएगा और रिटर्न होगा, यहाँ से जाएगा रिटर्न, और इसको भी हम लोग डैश डैश करके पीछे बढ़ा देते हैं। ये यहाँ से गया यहाँ से, तो इसको ये, यानी हमें आँख में यहाँ इसका पैर का प्रतिबिंब दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से ले जा रहे हैं, आँख में आँख का दिख रहा है। ये हो गया। अब आप समझे बात कि ये आपका है 40 सेंटीमीटर, यानी 300 सेंटीमीटर पूरा है, 300 में से 40 सेंटीमीटर अगर निकाल देते हैं तो 260 सेंटीमीटर आपका ये बच रहा है, 260 सेंटीमीटर ये लेंथ कितनी बच रही है, 260। अब हम यहाँ फिगर में देख लेते हैं कि हमें कितने लेंथ की आवश्यकता है, जो मिरर है आपका उसका कितना लेंथ होना चाहिए। जो मिरर उसका लेंथ एक्चुअली इसकी तो हमें कोई आवश्यकता नहीं इतना, ये तो जो है आपका ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं, देखिए इसका यूज ही नहीं हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर इसका भी नहीं यूज हुआ, इसका भी नहीं यूज हुआ। तो हम अगर सिंपल सी बात में देखना चाहें यहीं पर, और यहाँ से भी एक रेज आएगी, यहाँ पर टकराएगी ऐसे, और फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके आँख पर जाएगी, इसको डैश 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 पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखेगा। हम अभी अभी क्या बताया आपको कि जहां पर आपका परावर्तन होता है, अगर यह कोण और यह कोण लें ऐसा, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे, तो हम बताएं जितनी लेंथ ये होगी उसका आधा लेंथ ये इधर जाएगी, आधा लेंथ ये होगी, यानी यह पूरा 260 है, ये पूरा 260 है, यानी 130 सेंटीमीटर आपका ये होगा और 130 सेंटीमीटर आपका ये लेंथ होगा। ठीक, तो हमें यहां पर क्या समझ में आया कि अगर किसी वस्तु को किसी व्यक्ति जो कि लंबाई में 3 मीटर का है, 3 मीटर का, उसका परफेक्ट प्रतिबिंब देखने के लिए उसे जो धरती होगी या जिस पोजीशन पर यह व्यक्ति खड़ा होगा उससे जो होगा वह दर्पण को 130 सेंटीमीटर ऊपर भी रख देंगे तभी उसका परफेक्ट प्रतिबिंब यहां पर दिखाई देगा, क्योंकि यह इसकी होगी पोजीशन, यानी इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए 130 सेंटीमीटर, यानी इस इतने लेंस की देखते हैं यहां से कोई किरण नहीं गई, यानी इसकी कुछ आवश्यकता भी नहीं है, यानी हम इतने को अगर हटा करके यहां पर इतने लेंस, अगर इतने लेंस को हटा भी दें तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवश्यक केवल इतना ही है। अब देखते हैं ये हो गया, पोजीशन इसकी आई कितनी 130 सेंटीमीटर ऊपर रख सकते हैं। अभी हमारा मिरर का लेंथ नहीं नहीं मिला, तो देखते हैं ये आपका लेंथ कितना होगा, ये लेंथ 130 सेंटीमीटर होगा। अब यहां पर जैसे ये कितना बचा होगा 40 सेंटीमीटर, तो एक्चुअली यह भी 20 हुआ होगा, क्योंकि यहां पर भी वही रूल लग रहा है, तो यह भी 20 सेंटीमीटर, यह भी 20 सेंटीमीटर, ये है। अब देखते हैं इस दर्पण की यहां पर भी नहीं आ सकता ये, अगर ये नहीं रहेगा तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि सी की रेज यहाँ पर आ रही है, परावर्तित होकर यहाँ पर जा रही है, पीछे हमारी आँख दिख रही है, यानी एक्चुअली जो आपको आवश्यकता होगी दर्पण की वो केवल इतने दर्पण की आवश्यकता होगी, और इसकी लेंथ कितनी है 130 सेंटीमीटर, और एक्चुअली ये 20 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, यानी पूरा जो लेंथ होगी मिरर की वह 150 सेंटीमीटर होगी, और 150 कितना है पूरी लंबाई का, पूरी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इसका आधा है। अभी हम बताएं कि यश का आधा जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, मिरर होना चाहिए। जब यश का आधा मिरर रहेगा तो हम लोग एक्चुअली मान लेंगे कि जो उतने में ही हमारा जितनी वस्त्र, जितना बड़ा ये हमारे शरीर है, या आप जो भी शरीर को देखना है, जिस भाग को देखना है, उसका अगर आधा मिरर आप ले लेंगे, उसका आधा दर्पण समतल ले लेंगे, समतल दर्पण, तो आपका परफेक्ट प्रतिबिंब जो होगा वो बन जाएगा, आप उसके बारे में अनुभव कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये रहा, आप लोगों की ये बातें क्लियर हुई होंगी, अगर नहीं क्लियर हुई तो हम इस पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको ज्यादा बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे अगले क्वेश्चन को हम लोग इसी पर देख लेते हैं, देखते हैं अगर कोई मिरर इस बार है और कोई यहाँ पर वस्तु रखी है, ये आपका मान लेते हैं लेंथ यल है, ये आपकी भी लेंथ यल है, इससे कोई आवश्यकता होगी नहीं,
और जितना दूरी पर ये है उतना दूरी पर हमारा क्या बनेगा, ये मिरर बनेगा। ये मान लेते हैं ए बी है या ए डैश है या बी डैश है, देखते हैं। ये मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है 200 सेंटीमीटर, यहाँ पर इसकी आंख है, यहाँ पर सी मान लेते हैं, और ये दूरी आपकी 40 सेंटीमीटर, आपकी भाई भी ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर, देखते हैं। अब हम एक्चुअली बताएं क्या कि जितनी रेज हमारी आंख पर पड़ेंगी वो हमें पोजीशन दिखाई देगा, वो स्थान हम लोगों को दिखाई देगा। तो ये आपका पैर है, पैर से अगर कोई किरण जाए परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़े, ये आपका पड़ रही है, यहां से जा रही है, यहां पड़ रही है, और इसको डायरेक्ट डायरेक्ट पीछे बढ़ा रहे हैं, यहां पर इमेज आपको दिखाई दे रहा है, गई परावर्तित हुई थी। ये आपका एंगल आपको आई आई मिला ही होगा, आप लोग जान ही गए होंगे। अब अगली बात, यहां से एक रेस जाएगी, ऐसा हमें पता, आंख भी दिखेगी तो जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे, आपका ये आंख यहां पर सी डैश के रूप में हम लोगों को, या मतलब जो ये वस्तु होगी या जो व्यक्ति होगा उसकी आंख में इसकी आंख का प्रतिबिंब बनेगा। अब देखते हैं तो ये जो पोजीशन होगी ये पूरा कितना होगा, अभी पूरी जो लेंथ थी पूरे व्यक्ति की जो लंबाई वो 200 सेंटीमीटर, ये 40 निकल गया, तो ये कितना बचा आपका, अरे यार 200 सेंटीमीटर पूरा है, 40 निकल गया, तो 200 पूरा है 40 निकला, तो आपका ये कितना बचेगा, 160 बचेगा, 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। अच्छा तो ये पोजीशन 160 का, अभी बताइए सिस्टम है, 160 का आधा, 160 का आधा यानी कितना, 80 सेंटीमीटर। एक्चुअली सबको बातें क्लियर होंगी, और ये भी आपका कितना आएगा, 80 ही सेंटीमीटर, आपका 80 सेंटीमीटर ये हो गया, ये दूरी 80 सेंटीमीटर, ये दूरी 80 सेंटीमीटर। एक्चुअली यहाँ पर बराबर नहीं दिख रही होगी, लेकिन एक्चुअली बराबर बनेगी, तो ये आपका पोजीशन, मतलब इतने लेंथ की कोई आवश्यकता नहीं है, इतने लेंथ की आपको कोई आवश्यकता नहीं, ये आपका जो पोजीशन होगा यहाँ पर लिख सकते हैं, पोजीशन जो होगी आपकी वह कितनी आएगी, 80 सेंटीमीटर, पोजीशन आपकी 80 सेंटीमीटर। अब देखते हैं यह सिर भी हमारी आंख में दिखना चाहिए, तो दिखेगा कैसे, यहां से ले चलते हैं यून, या सॉरी ये, और ये परावर्तित हुआ, और यह अगर पीछे हम बढ़ा दिए तो यहाँ पर भी आपका आई और यह भी आई होगा, इक्वल आएगा आपका, तो ये आपका 40 सेंटीमीटर था, तो इसका आधा या इसका आधा ही होगा। अभी मैं आपको फार्मूला बताएं, आपको सैद्धांतिक तरीका भी बताया कैसे कैसे आधा होता, तो ये 40, ये पूरा 40 है, तो ये 20 सेंटीमीटर और यह भी 20 सेंटीमीटर, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, ये 20 सेंटीमीटर ऊपर वाले की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ से ये किरण दिखाई दे रही है, यानी ये लेंथ की हमें आवश्यकता होगी। अब ये लेंथ होगी कितनी, 80 और 20, 80 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर है कितना, पूरा 200 सेंटीमीटर है, इसका आधा 100 सेंटीमीटर है, 100 अगर हमें 200 सेंटीमीटर का कोई भी वस्तु देखनी हो समतल दर्पण पर, तो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसकी पोजीशन होनी चाहिए कि 80 सेंटीमीटर ऊपर, और जो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, लेंथ जो होनी चाहिए, लेंथ जो होगी वह कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर, यानी जो लेंथ होगी वह पूरे बस्ट की या फिर पूरे व्यक्ति का आधा दर आधा चाहिए, यानी अगर वो यस लंबाई का तो यस बाई टू, और पोजीशन जो होगी आप इस प्रकार निकाल लेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, काफी इजी है, कुछ नहीं करना है, केवल हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगा करके समझना है, और ये आपकी किरण ले जाना है। तो एक्चुअली जितना हमें कोई भी पार्टिकल को देखना होता है या फिर कोई भी वस्तु का इमेज हमें देखना होता है, तो हम जाने कि उस वस्तु से हमें आधा जो दर्पण आपका चाहिए, इतना दर्पण आपको चाहिए कुछ नीचे से, और पोजीशन जो होगी वह इस तरह से निकालेंगे। ये आसान तरीका आपका शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, घर पर लगाइएगा, जैसे ये है, लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा हाँ सर लग गया। जैसे इसके सामने अगर हम 400 सेंटीमीटर की कोई बस रख लें, 1 मीटर की दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर वस्तु है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये दूरी जो है ये सर से आपके मतलब हेड से आपके ये जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है,
एक्चुअली आप लोग इसको कैलकुलेट करके आंसर बताइएगा, देखिएगा कैसे बनेगा। बहुत चीज़ है, कुछ नहीं करना है, केवल हम लोगों को एक रेज यहाँ से चलाना है, यहाँ पर ले जाना है, दूसरी यहाँ से ले जाना है यहाँ पर, और इसको मिला देना है आपको, और आपको इसको मिला देना है। बाकी जितना ए आएगा उसका आधा ये पोजिशन आपकी हो जाएगी, आधा बचा रहेगा, और ये 20 का आधा ये करके आप ऐड कर दीजिएगा, आंसर आएगा। जैसे इसका आंसर अगर सिंपली निकालना हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये 20 निकल गया 4 सेंटीमीटर में से, 4 सेंटीमीटर में से 20 निकला तो आपका बचा होगा 380। अब 380 का आप आधा कर दोगे कितना हो जाएगा, आप 380 का आधा ले लो, आधा आप यहाँ पर रख दो, आधा आप यहाँ पर रख दो, ये आपकी मिडिल पोजिशन है। तो ये देखते हैं, आपका 380 में 2 का डिवाइड करोगे तो 190 कितना आएगा आपका, 190। तो ये आपका 190 आ जाएगा, 190 सेंटीमीटर ये होगा आपका, 190 सेंटीमीटर ये होगा, तो पोजीशन आपकी 190 होगी। अभी आपका 20 का अगर आधा आधा करोगे, 20 का आप आधा करोगे कितना आपका हो जाएगा, 20 का अगर आधा करोगे आप कितना हो जाएगा, 10, यानी 190 और 10 कितना हो जाएगा, पोजीशन आपका 190 और ये 90 और 10, 190 10 200, और आप देख भी रहे हो कि 200 कितना है, 400 का आधा है। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। देखते हैं अगली बात को, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसके बाद सब बातें इजी हो जाएंगी। जैसे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये मान लेते हैं कोई मिरर है और यहां पर कोई वस्तु रखे हैं, और ये दूरी आपकी है मान लेते हैं यल, और यहां पर है यल, ये है। तो होगा क्या, मान लेते हैं यहां पर ये पूरी जो लेंथ है वो यच है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखने चल रहे हैं, ये आपका यहाँ पर मान लेते हैं आँख है आपकी, और ये चलिए ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो होगा क्या, यहाँ से एक रेज जाएगी, आप समझे बात दिमाग से, यहाँ से जाएगी यहाँ पर और आपके आँख पर पड़ेगी ऐसा, दूसरी यहाँ से सीधे चली जाएगी, और तीसरी आपकी यूं और यूं होगा, और इसको हम लोग पीछे बढ़ा देते हैं, यही होता आपका सिंपल सी जो बात है वो तो यही है, यही आपका मेन जो कॉन्सेप्ट वाली बात है वो यही होता है, और इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे। ये आपकी डैश 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 होगी, और ये आपकी डैश डैश, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, यही है। अब देखते हैं कि ये पूरी जो लेंथ है वह आपकी कितनी है, यच होने वाली है, और ये मान लेते हैं यक्स है, और ये मान लेते हैं वाई है, और इसकी तो कोई आवश्यकता है नहीं इसकी, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, रहने देते हैं, हटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये है। तो हमारा यहाँ पर ए ए डैस कर लेते हैं, बी डैस कर लेते हैं, सी डैस कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू, और यहाँ पर आर कर लेते हैं। देखते हैं, हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे पहले, बी ए डैश बी डैश, बी ए डैश बी डैश, तो पूरा ले लेते हैं ये वाला और ये, एंड पी क्यू बी और ये। चलिए तो देखते हैं क्या होता है, जब ये दोनों समरूप होंगे, बी ए डैश बी डैश पी क्यू बी, ये और ये दोनों क्या है, समरूप हैं। अगर ये समरूप होते हैं तो हमारे सामने क्या कंडीशन होगी, ये अपान ये, ये अपान ये, यानी ए डैश बी डैश अपान पी क्यू बराबर ये अपान ये, और ये पूरा अपान ये, तो ये पूरा कितना, यल यल, पहले हम लोग पोजिशनिंग कर लेते हैं, बी बी डैश अपान बी क्यू, यानी आप इसको लिख सकते हो ए डैश बी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपान पी क्यू, पी क्यू यानी यार इज इक्वल टू, पी क्यू यानी
यस। और बी बी डैश कितना होगा आपका? बी बी डैश, वी वी डैश, यल यल, टू यल अपान क्यू बी, यानी यल 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 कैंसिल आउट, यानी ए डैश बी डैश इंटू इक्वल टू टू यल, यानी ए डैश बी डैश की वैल्यू जो आएगी ये आएगी आपकी टू एक्स, यहाँ पर टू एक्स मिला। अगली बात हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं वी वी डैश सी डैश। आप लोग समझ गए होंगे कौन ले रहे हैं इस बार, ये वाला ले रहे हैं, मतलब ये। तो इसमें क्या हम लोग करते हैं, ये भी समरूप दिखाते हैं, तो क्या ये अगर समरूप होगा ये और एंड ये क्यू आर बी, क्यू आर बी देखते हैं इसमें क्या होता है। ये आपकी है आर यहाँ, तो ये भी समरूप है, तो वी डैश सी डैश अपान क्यू आर यानी ये अपान ये हो गया। इसके बाद ये अपान ये यानी बी बी डैश अपान क्यू बी, क्यू बी यानी बी डैश सी सी डैश क्यू आर की वैल्यू, बी डैश सी डैश क्यू आर की वैल्यू वाई इक्वल टू बी बी डैश, बी बी डैश यल यल टू यल अपान क्यू बी, यानी यल 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 कैंसिल आउट, यल कैंसिल आउट, तो बी सी मैं यहां पर लिख लेते हैं, आप यहां पर दिखा लेते हैं, बी डैश सी डैश, बी डैश सी डैश इक्वल टू टू वाई, कितना हो जाएगा आपका टू वाई। अब ये वैल्यू आपकी टू वाई आई, कितना आई आपकी टू वाई। अच्छा, तो ए डैश सी डैश टोटल वैल्यू जो ये जो आपका प्रतिबिंब होगा वो इमेज की इक्वल होगा, हम लोग जानते ही हैं प्रतिबिंब और इमेज क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे हम लोग देख लेते हैं यहां पर, जैसे आप लोग समझे बात, हम लोग क्या करते हैं यहां पर देखते हैं कुछ ऐसा, हम लोग लिख लेंगे ए डैश और सी डैश, या ए डैश सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई, ए डैश सी डैश इक्वल टू टू एक्स प्लस टू वाई। अब ए डैश सी डैश किसके बराबर होगा, ए डैश सी डैश बराबर होगा ए सी के, क्यों, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट इक्वल टू हम बता चुके हैं ऑब्जेक्ट इक्वल टू में होता है आपका इमेज, यानी प्लेन मिरर में ये आपकी स्पेशल कंडीशन है। तो ए डैश सी डैश का हम लोग क्या लिखते हैं ए सी इक्वल टू टू एक्स प्लस टू आई, टू एक्स प्लस टू आई, और ए सी की वैल्यू कितना है यच इक्वल टू टू एक्स प्लस टू आई, समझने वाली बात है, कितना हो जाएगा टू एक्स प्लस टू आई। अब यहां से अगर टू कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस वाई और बटे हो जाएगा एच बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये आपकी स्पेशल बात है। अब देखते हैं यक्स, ये हटा देते हैं, यक्स इतनी लेंथ है मिरर की और वाई इतनी लेंथ है, यानी आप लोग बात समझे कि यक्स मिरर की जो लंबाई होगी यक्स प्लस वाई वह किसके बराबर होगी, पूरे बस्ट के लंबाई की आधा होनी चाहिए। अगर बस्ट की लंबाई की हाफ होगी आधा होगी तो हम लोग वहां पर मान लेंगे हम लोगों का जो मिरर में आप प्रतिबिंब बन रहा होगा एक्चुअली पूरा परफेक्ट बन रहा होगा, पूरा बन रहा होगा। तो पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि पूरी लेंथ का आधा, पूरी लेंथ का जो ऑब्जेक्ट है उसका आधा मिरर होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग इसमें किए क्या हैं, किए हैं सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग फिर से एक बार आप फिगर बना देते हैं, आप लोग इसके बाद सब बातें समझ जाएंगे। हम लोग समरूप दिखा करके केवल पुट किए हैं सारी वैल्यू, ये आपका ए बी आपका वस्तु है, यहाँ पर बीच में मान लेते हैं सी लिख लेते हैं या ए बी सी, चलिए हम बना लेते हैं जो भी आप नेमिंग किए होंगे उसी तरह से होगी। तो ये लंबाई आपकी यल माने थे, यल लंबाई पे आपका इसका प्रतिबिंब बनेगा, एक्चुअली ये था ए डैश, यहाँ बीच में बी था और यहाँ पर सी था, जाएगी किरण एक यहाँ से जाती है, सॉरी पहले यहाँ से जाती है तो बी हमारी आंख पर पड़ती है परावर्तित होकर, इसकी किरण यहाँ पर पड़ती है
और एक सीधे जाती है और रिफ्लेक्ट होके रिटर्न होती है, तो यहाँ पर आपका बनता है बी डैश और ये आपका है सी डैश। और यहाँ से आपका आती है ऐसे परावर्तित हो कि ये आपको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका ए डैश, यही। यानी ये किरण परावर्तित होकर आंख पे पड़ी, इसलिए यहाँ जो आपका प्रतिबिंब बना है पैर का, ये वस्त्र के नीचे पैर का जो प्रतिबिंब बना है वो आंख पर बनेगा। आंख जो ये हेड का प्रतिबिंब बनेगा परावर्तित होकर यहाँ पर दिखाई देगा, तो आपका ये आंख पर बनेगा। और आंख का भी प्रतिबिंब आंख ही पे बनेगा, क्यों? जा रही किरण और परावर्तित हो रही, पीछे बढ़ा रहे हैं तो आपका वहां पर मिल रहा है। एक्चुअली ना इस दर्पण की आवश्यकता है ना इस दर्पण की आवश्यकता है। हाँ, यह आपका पोजीशन होगा, इतना अगर ऊपर रख देते हैं, अभी हम पोजीशन निकालना आपको बताएं सवाल के माध्यम से, अगर इतना ऊपर आप रख देते हैं तो वो जो इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो एक्चुअली परफेक्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बनेगा मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, ना ऊपर वाले की आवश्यकता होती है, आवश्यकता केवल इतने की होती है। अब हम इसमें क्या किए हैं, एक ट्रायंगल यह माने और एक ट्रायंगल आपका यह माने, यही दोनों ट्रायंगल का आप यह यहाँ मान लेते पी क्यू, यहाँ पर आर था, तो यह एक्स लंबाई और यह वाई लंबाई, तो यह समरूप दिखा दिए, तो ये अपान ये हो जाएगा, यानी ये अपान और ये इसका छोटा वाला। उसी प्रकार इसमें ये अपान ये लिख लिए, जैसे ए डैश बी डैश अपान पी क्यू लिख लिए, ए डैश बी डैश अपान पी क्यू, बी बी डैश वी वी डैश, यानी यल यल टू यल और वी क्यू पी क्यू, तो ए डैश बी डैश अपान एक्स टू एल अपान एल एल कैंसिल आउट, पक्षांतर कर देंगे, ए डैश बी डैश इक्वल टू टू एक्स आ जाएगा, ये टू एक्स आ गया, ए डैश बी इक्वल टू एक्स। उसी प्रकार हम लोग इसको जब माने तो ये आपका निकाल लिए टू आई, देखिए यहाँ पर निकाले बी डैश सी डैश बराबर टू आई, पूरे को ए डैश सी निकाले तो टू एक्स प्लस टू आई, टू एक्स प्लस टू आई रख दिए वैल्यू, अपान किए और आपका यस यस बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यक्स इसको माने थे वाई इसको माने थे, यानी ये दोनों ऐड करेंगे पूरा यही मिरर होगा। मिरर कितना होना चाहिए, पूरे का इस पूरे का आधा होना चाहिए, मिरर पूरे ये आपकी लेंथ है मिरर की, इसका आधा जो होना चाहिए वह मिरर होना चाहिए। तो हम आशा करते हैं इसमें सबको बात समझ में आई होगी। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और हाँ जो इसमें बातें आप लोगों को नहीं भी क्लियर होती हैं वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये सर बातें नहीं समझ में आई, हम अगले क्लास में आपको बता देंगे। और आप लोग रेगुलर क्लास लेते रहें, इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।